संवैधानिक संकट, राजनीतिक संकट। मैं आदरणीय केजरीवाल जी और आप पार्टी के वो तमाम लोग जो संविधान और कानून का सम्मान करने की बात करते हैं और लोक भावनाओं के अनुरूप शासन चलाने के लिए संकल्प व्यक्त करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने संवैधानिक दायित्व से पलायन नहीं करें। और संवैधानिक दायित्व से पलायन होगा यदि उनको कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दे करके और सरकार बनाने के लिए यदि उनसे आह्वान करती है और उसको वो नकार देते हैं, तो फिर आखिर आपके लोग क्या साबित करना चाहते हैं? सरकार बनाने में यदि उनको बहुमत मिल रहा है तो फिर क्यों ना सरकार बनाए? और यदि वो सरकार नहीं बनाते तो इसका मतलब उनके भीतर किसी न किसी तरह का कोई डर है कि वो जो उन्होंने वादे किए उनको कैसे पूरा कर पाएंगे। और जब उनको बहुमत मिल जाता तो बहुमत में आने के बाद अपनी आइडियोलॉजी, अपनी प्रिंसिपल्स और अपनी पॉलिसीज के अनुसार वो काम करे। और उस समय यदि कांग्रेस सरकार उनसे अपना समर्थन वापस लेती है तो पूरे देश में कांग्रेस बेनकाब होगी।